तुम? हाँ, मुझे लगा मैं आपको कंपनी दे दूँ। भागते भागते बहुत दूर आ गए। हाँ, बहुत दूर आ गए। पानी? थैंक्स। इस औरत का अतीत उस राक्षस से जुड़ा है, यही मुझे उस राक्षस के अंत की शुरुआत तक ले जाएगी। पहले मुझे इस औरत को समझना होगा। कुछ देर इसके साथ चलना होगा, समझना होगा इसकी आंखें क्या कहती है। चलें। वैसे तुम्हारे पापा अचानक यहाँ कैसे? अचानक तो हादसे होते हैं, जैसे उनके साथ हुआ। मेरा मतलब है कि उनका अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? Obviously, कोई कहीं पे क्यों जाता है, किसी से मिलने ना। तो तुम अपने पापा से एक्सीडेंट से पहले मिली थी? नहीं, एक्सीडेंट के बाद पता चला। तो फिर तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। कहाँ? अपने पापा के पास। वो अकेले होंगे तो तुम्हें वहाँ उनके साथ होना चाहिए, राइट? सुबह सुबह इतने सवाल? सवाल नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आई मीन, मुझे लगा तुम यहाँ हो तो मुझे और कहाँ होना चाहिए। वैसे कल रात आप कहाँ थी? क्यों? मैं आपसे मिलने आई थी, आप नहीं थी तो आप कहाँ थी? हाँ, मैं नहीं थी, मैं एक्चुअली मोहिनी के पास गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलने आई थी। तुम क्यों आई थी? ऑब्वियसली, कोई किसी से मिलने क्यों जाता है, बात करने ना। बात करने? तुम अपनी सुहागरात छोड़कर मुझसे बात करने आई थी। आई मीन, मुझे लगा, मुझे क्या, सबको लगा कि दुल्हन अपने कमरे में होगी, लेकिन तुम अपना कमरा छोड़कर मुझसे मिलने आई थी। क्या तुम्हें पता नहीं है सुहागरात पे दुल्हन अपने दूल्हे के साथ क्या करती है? क्या करती है मतलब? तुम्हें पता नहीं है? बहुत कुछ पता है मुझे। पता है सुहागरात पे पति पत्नी एक साथ होते हैं, पर आप नहीं थी ना। मेरा मतलब है, जब कल मैं आपके कमरे में आपसे मिलने आई थी, आप वहाँ नहीं थी, आप तो मोहिनी। हाँ, मैं मोहिनी के साथ थी, लेकिन तुम इतनी रात को मेरे कमरे में मुझसे मिलने क्यों आई थी? कुछ तो बात है। कुछ तो बात है। क्या हुआ, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? मैंने कुछ सुना। कब? कल रात को। वहां से आ रही है ये आवाज। ये आवाज तब आती है जब वो आता है। वो? इतनी सुबह? लेकिन वो तो रात को आता है ना, वो तो रात को बना था। अच्छा, मेरा मतलब है कि ऐसे बुरे साहब तो रात को ही आते हैं ना, तो मुझे लगा कि वो भी, पता नहीं। अरे डरिए मत, यहाँ गांव में छोटे मोटे जानवर आते रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। चलिए चलते हैं। हाँ चलो, जल्दी चलो। वैसे भी अपनी परछाई के सिवा और कोई साथ नहीं चलता। हाँ, अतीत की परछाई, पर अंधेरे में वो भी साथ छोड़ देती है। रुक जाओ! जाओ!
फोन नहीं उठा रही है जीजा जी। उसे लगता है कि वो कमलपुरा के जंगलों की रानी है, सबको उंगलियों पर नचाएगी। लेकिन देखना साले साहब, जब राक्षस सामने आ जाएगा तब खुद नाचने लगेगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी साले साहब। मैं तो अब तक ये भी नहीं पता कि सुरेश को कितना और क्या मालूम है, उसने रैना को कुछ बताया भी है कि नहीं। इतने सारे तीर हम पर निशाना साधे बैठे हैं और सबसे कमजोर तीर है साले साहब ये अपराजिता, जो निशाना नहीं लगाएगा, खुद निशाने पर जा बैठेगा। साले साहब लगता है हमारे फैलाए जाल में ही फंसते जा रहे हैं हम लोग। बिरजू, बिरजू क्या कर लेगा? अप्पू और रैना पर नजर रखेगा, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो तुरंत हमें खबर करेगा। इतना अजीब सा ब्रांच यहाँ कैसे लटक रहा है? ऐसे लगता है किसी ने जानबूझकर लटकाया हो चोट पहुंचाने के लिए। ये जंगल है, यहाँ हर चीज अजीब ही होती है। यहाँ के पेड़ भी अजीब होते हैं, जान भी ले सकते हैं। चलो यहाँ से चलो। आप इस गांव और जंगल के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? आप यहाँ पहले आई है क्या? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? मौत को जानने के लिए खूनी बनना जरूरी नहीं है। जंगल और गांव के बारे में जानने के लिए गांव में आना जरूरी नहीं है। मैं इस गांव में कभी नहीं आई हूँ। तो फिर अचानक इस गांव में क्यों? आई मीन, आप यूएस में रहती हैं, आपका काम है, आपका घर है, वो सब छोड़कर आप यहाँ इस गांव में क्या कर रही हैं? क्योंकि यहाँ भी मेरा एक घर है, मोहिनी मेरी बहन जैसी है। तो फिर आप राखी की शादी में क्यों नहीं आई? अरे इनफैक्ट आप तो इन्विटेशन लिस्ट में भी नहीं थी। ऐसे कैसे? गेस्ट लिस्ट में तो घर वाले, मेहमान सबके नाम होते हैं, आपका नाम कैसे नहीं था? अपने खुशी में आए या ना आए, लेकिन गम बांटने जरूर आते हैं। मोहिनी ने अपनी जवान बेटी खोई है, मुझे तो आना ही था ना। शादी में नहीं आई तो क्या हुआ? और वैसे तुम मुझे बताओ, तुम दोनों ने इतनी जल्दी में शादी क्यों कर ली? तुम और ऋषभ, तुम दोनों के बीच कुछ था क्या, प्यार व्यार? नो, एक्चुअली मोहिनी ने मुझसे कहा कि राखी का बदला लेने के लिए तुम दोनों ने शादी की। सिर्फ यही वजह थी? बदले के लिए कौन शादी करता है, ऐसी कोई वजह नहीं थी। ऋषभ से प्यार करती हूँ मैं, प्यार, परिवार, वो सब कुछ है उसके पास जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। एक प्यारी तो है जो सब कुछ है, प्यार के लिए शादी की है मैंने। वाओ, शादी में प्यार हो और प्यार में शादी हो तो बात ही कुछ और होती है। ये क्या आवाज है? बिरजू, तुम आप ठीक तो है ना? तुम यहाँ? हाँ, मैं आ गया। बड़े साहब ने कहा था सब पे नजर रखना। तो वो तुम्हारे पैरों की आहट थी? गांव के पैर हैं, आहट तो होगी। तो छुप के क्यों देख रहे थे बिरजू? क्योंकि किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ ठीक है, ध्यान रखना है ना तो दूर से रखो। सुनिए, चलिए ना हम घर चलते, वैसे ही हमारी शुरुआत बहुत गलत हुई, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। प्लीज घर चलते हैं ना। हाँ चलो।
मैं आपसे एक सवाल पूछूं? एक और सवाल? आपने कभी शादी नहीं की? ऐसा कोई मिला नहीं। इसीलिए नहीं की, ना कोई शादी के लिए मिला और ना ही वक्त मिला। ये झूठ बोल रही है, पर इतनी बात करके भी कुछ खास पता नहीं चला। ये लड़की बातें तो करती है पर काम की बात नहीं करती। मिताली, वेद और युग को बुला ले। बुआ जी, फूफा जी ने ना युग भैया और वेद भैया को कोई काम दिया है, वो वही काम कर रहे हैं ऊपर। हाँ, वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे है। ऋषभ और रैना, उन्हें भी तो बुलाने कहा था। लो भैया आ गए। गुड मॉर्निंग। तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोली मॉम। तू बाद में कोई तमाशा मत करना, इसलिए मैं तुझे अभी बता रही हूँ। रैना जब नीचे आएगी ना, तो मैं उससे एक रस्म करवाने वाली हूँ। पहली रसोई की रस्म सारी बहुएं करती हैं। मॉम प्लीज, क्यों कर रही हैं आप ये सब? तो हर चीज में मुझे टोकता क्यों है? तो बस रैना को बुला ले, मैं बाकी संभाल लूंगी। अपने कमरे में नहीं। कहाँ गई है? जॉगिंग के लिए गई हो। किसके साथ गई हो? अप्पू के साथ। वो घर से बाहर गई और आप लोगों ने रोका नहीं? आप लोगों को पता नहीं है कितना खतरा है बाहर? कुछ भी हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। मोहित, उसके साथ बिरजू गया है ना, अब फिर इतना टेंशन मत लिया करो। टेंशन की बात तो है मामा जी, बड़ा बाहर घूम रहा है। पहले अप्पू वहां पे अटैक किया था उसने, आपको उन्हें रोकना चाहिए था। मिताली, तू अप्पू को फोन लगा। क्या कर रही हो रैना? लगता है खतरों से खेलने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया तुम्हें। मुझे अपना फोन नहीं उठा रही है। मॉम, आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ। ऋषभ, अरे ऋषभ, ख्याल रखना अपना। ये बिरजू कहाँ चला गया? ये भ्रमराक्षस, ये वही है, वो आ गया। वो हमें उस तरफ भागना चाहिए। चलो चलो चलो। उनको
जल्दी करो, जल्दी करो, वो आ रहा है। यू कहाँ थे तुम? तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनाया था ना, और तुम यहाँ वहां घूम रहे थे। डिस्गस्टिंग। बिरजू प्लीज हमारे साथ रहो, वो भ्रमराक्षस यही कहीं है, प्लीज हमारे साथ रहो। आर यू क्रेजी? तुम पागल हो गई हो क्या? ये नौकर है, इस दो कौड़ी के इंसान को इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे नौकर की तरह बात करो, यू ब्लडी बॉडीगार्ड। आई जस्ट होप कि वो राक्षस तुम्हें ही खा जाए। तुम अब तक यही खड़े हो, मरे नहीं? सुनते हो? तुम मरे या नहीं? चलिए। नहीं, मुझे इससे बात करनी है। मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ, ये अब तक था कहाँ? और तुम जिंदा क्यों हो? मरते क्यों नहीं तुम? चलिए ना प्लीज। What is wrong with you? तुम्हें दिखता नहीं मैं इससे बात कर रही हूँ? ये वो नौकर नहीं, ये ब्रह्म राक्षस है। What? चिंदी कहाँ हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जहां भी हो बस ठीक रहो तुम। ये तो रैना की वॉच है। रैना! अपुमा! अपुमा का फोन? ये दोनों इधर कहाँ गए दोनों? अपुमा! रैना! रैना! मर गए क्या? कुछ बोलो तो सही। मर गए? सब याद है मुझे, सब कुछ। कुछ भी नहीं भूला मैं अपराजिता। हाँ मिताली बोल। ऋषभ भाई आप मुझे लीजिए। ऋषभ
अपू का फोन तेरे पास क्यों है? अपुमा का फोन मुझे जंगल में गिरा हुआ मिला। बेटा उन दोनों को ढूंढना और सुन, उन दोनों को लेके जल्दी वापस घर आ जा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ मॉम, वही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखूंगा, बाय। अपुमा, रैना, कहाँ गए ये लोग? ये रास्ता तो हवेली की तरफ जाता है। ये तुमने क्या किया रैना? सब कुछ जानते हुए भी तुम हवेली क्यों गई? तुझे तो वापस आना ही था अपराजिता। वापस आ गई? जहां से ये कहानी शुरू हुई, आज ये कहानी वहीं पर खत्म होगी। नहीं छोड़ूंगा। आप ठीक तो है? ऋषभ, ऋषभ तुमने ये कैसे किया? वो सब बाद में, पहले घर चलो। चलो संभाल के। बैठिए। You're safe now, don't worry. ठीक है? सीट बेल्ट। ये लीजिए। अपुमा, आप अचानक जंगल में जॉगिंग के लिए क्यों आई? आप मुझे लगा कि मैं थोड़ी ठंडी हवा में जॉग कर लेती हूँ। आई फील बेटर। मैं तो कमल और राज के अभी साथ ले गई थी, ये सोच के कि वो मुझे तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वो राक्षस उस इंसान से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर हो जिस इंसान ने उसको मारा है, तो उसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। पता नहीं वो उस नौकर बिरजू में कब आ गया। वो ऐसे ही करता है पुमा, वो कभी भी किसी के भी अंदर आ सकता है। अनिल अंकल को मार के उनके अंदर ऐसे ही आया था वो, हमें पता भी नहीं चला। पता नहीं अब किसके अंदर है वो। मैं तो जानती नहीं थी कि वो ऐसे किसी के अंदर। लेकिन तुम्हें तो पता था ना? हाँ,
अब मुझे पता चल गया है, यही है वो औरत, यही जिसने उसे ब्रह्म राक्षस बनाया, जो उसे सामने ला सकती है, उसे मिटा सकती है। चलिए पुमा। रास्ते बनते जाएंगे। अगर आज तू यहां आई है तो यहां तेरा आना लिखा था। अब वो ग्रीन टी पी लो, तुम्हें बेटर फील होगा। तुम तो ठीक हो रहे ना? कितना मना किया था मैंने तुम दोनों को कि घर से बाहर मत जाओ। रैना तुम तो जानती हो कि इस घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चिंदी को देख के ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। हाँ, वो ब्रह्मराक्षस के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ तो अजीब है यहाँ। अंकल सही बोल रहे हैं, जो मैं जानती हूँ शायद ये भी जानते हैं। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। कैसा गांव है ये? मैं तो यहाँ राखी की मौत का दुख मनाने आई थी, लेकिन आज तुम सब मेरी मौत का दुख बांट रहे होते। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर, बहुत बड़ी गलती कर दी। तू वापस आ गए, तुझे तो वापस आना ही था अपराजिता। आप यहाँ पहले कभी नहीं आई हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऋषभ, मैं जानती हूँ आप लोग यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं, पर ये बताओ ना, आप यहाँ पहले कभी नहीं आई हैं क्या? ये भी पहले कभी नहीं आई यहाँ। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ। चलो, बार बार ये सवाल क्यों किए जा रही हो? ऋषभ कह तो रहा है कि आपको पहले कभी इस गांव में नहीं आई है, वो पहले से ही इंडिया से बाहर रहती है। इसीलिए तो हम सब उसको लेके इतने परेशान थे, क्योंकि वो इस गांव के रास्तों को जानती नहीं। और उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि यहाँ एक राक्षस है जो लोगों को मारकर उन्हें अपने वश में कर लेता है। सॉरी, मुझे आपको बताना चाहिए था कि वो लोगों को अपने वश में करता है। अब बाहर मत जाना। नहीं जाएंगे, पर सच बताइए ना, आप पहले भी कभी इस गांव में नहीं आई हैं क्या? तुम एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रही हो? क्योंकि इसका खुद का दिमाग फिर गया, राखी के जाने में पता नहीं क्या हो गया इसे, किसी को कुछ भी। चलो ऊपर चलो। नहीं जाऊंगी। ये चिंदी कुछ तो करने वाली है, पहले इसी से बात करनी होगी। चल, क्या रहा है इसके दिमाग में? चलो ऊपर चलो ऊपर। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप वही हैं। कौन? जिसने उस जमींदार से शादी की, जो मर गया और बन गया ब्रह्मराक्षस। बस रहना, अपनी हाथ पार मत करो। तुम अप्पू के बारे में जानती है क्या हो? मैं जानती हूँ आंटी, मैंने उस हवेली में इनकी तस्वीर देखी उस जमींदार के साथ, और आज जब ब्रह्मराक्षस ने इन पर अटैक किया ना, तो बस बस। बहुत हो चुका, मैं तो राखी के लिए यहाँ आई थी। चुप भी हो जाओ रहना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं आंटी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने इन्हीं की तस्वीर देखी उस पोर्ट्रेट में। कौन सा पोर्ट्रेट? दिखा। नहीं है मेरे पास अंकल, उस ब्रह्म राक्षस ने फाड़ दिया। पर ऋषभ, ऋषभ तुम्हें तो याद है ना, तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये कैसे जानेगा? हाँ, उसने कोई तस्वीर फाड़ी तो मगर किसकी मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। इन्हीं की तो तस्वीर थी वो, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऋषभ, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही है। ये सच बोल रही है। अब मॉम, सच बोल रही मतलब? मतलब ये कि ये झूठ नहीं बोल रही है ऋषभ। ऋषभ ये राखी से बहुत प्यार करती थी। ब्रह्म राक्षस कैसे बना?
यह जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसे कहते हैं दोस्ताना, जैसे हमारा था। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि हमें कोई जुदा नहीं कर पाया। लेकिन काल ने राखी को अकाल मौत देकर इसे उससे जुदा कर दिया। हाँ, मैं राखी से बहुत प्यार करती थी। तुम्हें सदमा लगा है, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऋषभ, प्लीज इसे संभालो। हाँ, संभालना तो पड़ेगा। चलो तुम ऊपर। नहीं, कोई सदमा नहीं लगा है मुझे। इन्हीं की तस्वीर थी वो ऋषभ। ऋषभ प्लीज, ऋषभ इसे ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऋषभ यहीं क्यों? ठीक है, तुम चलो ऊपर। चलो बेचारी रैना, कितना बड़ा सदमा लगा है उसे। तुम पागल हुई जिंदी? ऋषभ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उस मेरी में जो पोर्ट्रेट थी ना, उसमें उन्हीं की तस्वीर थी। वो झूठ बोल रही हूँ, पहले इस गांव में आ चुकी है, उन्होंने उस जमींदार से शादी की। शराब, तुम कुछ नहीं जानती उनके बारे में, ना उनके बारे में, उनकी शादी के बारे में। मॉम ने बताया मुझे, उनकी जिंदगी में आया था कोई, बाद में छोड़ के चला गया, तब से बिल्कुल अकेली है वो। सब झूठ है, सब कहानी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ऋषभ, वो झूठ बोल रही है। उस पोर्ट्रेट में उन्हीं की तस्वीर थी। फुलगी ने कहा कि संजय को किसी ने धोखा दिया ना, वो धोखा अप्पू माँ ने दिया है संजय को, उन्हीं की वजह से वो ब्रह्म राक्षस बना। इसलिए आज उस राक्षस ने उन्हीं पर अटैक किया, उन्हीं पर हमला किया। मैं सच कह रही हूँ ऋषभ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पता तुम्हें? ब्रह्म राक्षस तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया है। राखी का बदला लेने का जुनून सवार है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए कुछ भी बोल देती किसी को। तो सुनो, मैंने भी राखी को खोया, राखी मेरी भी बहन थी, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है। तो लड़ो ना उसके लिए, राखी की मौत का बदला लो। बहन थी ना वो तुम्हारी, तो अपनी बहन के लिए कुछ करो ना। तो करूंगा, बदला लूंगा, मगर तुम्हारी तरह नहीं। जब देखो बाहर निकल जाती हो, मुसीबत में फंसती हो तुम, और बचाने के लिए मुझे आना पड़ता तुम्हें। क्यों आते हो तुम? मत आओ, अगर आइंदा आए ना तो देख लेना, आने की सोचना भी मत तुम। आऊंगा, हर बार आऊंगा। क्योंकि मुझे परवाह है, मेरी फैमिली की। मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए मेरे सामने मेरे परिवार में से किसी की भी जान जाए। नहीं चाहिए मुझे ये सब। मुझे भी नहीं चाहिए कि कोई आए, मुझे बचाए और फिर सुनाए। नहीं बचाऊंगा, नहीं आऊंगा तुम्हारे पीछे। बस एक बार चली जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ इस गांव से, प्लीज चली जाओ। नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो। राखी को इंसाफ दिलाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, समझे ना तुम? तुम पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग। ने मुझे मारने के लिए किडनैप किया, मुझे असुर स्थल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी मम्मी पापा को उस राक्षस ने मारा, इसलिए कोई मेरी जान लेने की कोशिश करता है। कोई है जो अपराजिता का साथ दे रहा है, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसे मैं सामने लाना चाहती हूँ ऋषभ। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, पर तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तुम्हारी अप्पू मॉम वही है, इस लड़की ने तो हम सबको सदमा दे दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था, जिस दिन उसने मुझे पहली बार देखा था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि ये कुछ ना कुछ जरूर जानती है। उसकी आंखों में ही कुछ था। और आज जिस तरह वो मेरे साथ जॉगिंग पर गई, मुझे ऐसा लगा जैसे वो बरसों से मुझे जानती है। ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही थी मुझसे, आपकी शादी हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। मैं जानती थी ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ करेगी। कर दिया। अगर वो ऐसा करेगी, ऐसा बोलेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा वही कर सकता है जो या तो पागल हो या सब जानता हो। ये सब जानती है और ये घर वालों को बताएगी, उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेगी। आज तो कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन आगे का क्या? हाँ, और इस भरोसे पर मैं चुपचाप नहीं बैठी रह सकती। क्या करना चाहती हो? इस बार कुछ ऐसा करेंगे जो पक्का हो, तीर सीधा निशाने पर लगे। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? क्या तुम उसे मारना चाहती हो?
किसे मारना चाहती हैं? ऋषभ, तुम? और रैना कैसी है? किसको मारने की बात हो रही थी? ब्रह्म राक्षस को। उसे मारने का कोई रास्ता तो निकालना होगा। मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे ऋषभ से कुछ बात करनी है, अकेले में। आओ बैठो। जी। I'm sorry, Apuma. Sorry? For what? रैना ने जिस तरह से आपसे बात की, उसके लिए I'm sorry. तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो सचमुच तुम्हारी पत्नी है और तुम उसकी वकालत कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने आपकी इंसल्ट की और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। एक्चुअली बुरी लड़की है नहीं, अच्छी लड़की है। अब तुम सचमुच उसकी वकालत कर रहे हो ऋषभ? नहीं अपुमा, उसने शादी ये सब कुछ सिर्फ राखी के लिए किया है। Are you sure उसने ये सब सिर्फ राखी के लिए किया? हाँ, और किस लिए करेगी? तुम्हारे लिए। देखो, आज सुबह जब हम जॉगिंग के लिए गए थे, हमारी काफी बातें हुई और तब मुझे पता चला कि वो सिर्फ राखी का बदला लेने के लिए यहाँ नहीं रुकी है। I mean, of course, that's one of the reasons. लेकिन सिर्फ वो ही एक वजह नहीं है। फिर और क्या वजह है? ऋषभ तुम्हें दिखता नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना चाहती है। What? Yes. आपने कुछ गलत सुना होगा पुमा। प्यार छिपता नहीं है, दिखता है। आपने कुछ गलत देखा होगा पुमा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषभ, उसने खुद मुझसे कहा। देखो, मैंने उसे पूछा क्या तुम ऋषभ से प्यार करती हो और उसने मुझसे कहा कि बदले के लिए शादी कौन करता है। क्या? हाँ, देखो मैं जानती हूँ कि तुम शायद उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह पसंद करते हो, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना चाहती है। देखो, मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें उसकी थोड़ी भी परवाह है ना, तो उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। लेकिन अगर तुम उसे पसंद करते हो तो। नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। I mean, पसंद करता हूँ, लेकिन उस तरह से पसंद नहीं करता। मतलब अगर उसे चोट लगेगी तो तुम्हें दर्द नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, दर्द होगा, लेकिन वैसे उसका मतलब। ऋषभ, उसे जाना होगा, वो अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा आजमा रही है। वो ब्रह्म राक्षस को मारने के चक्कर में बार बार अपनी मौत को बुला रही है, और किस्मत कितनी बार साथ देती है, कभी ना कभी तो धोखा मिलेगा ना। हाँ पुमा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ उसे ही जाने के लिए कहूंगा? उसके लिए कोई और भी होता जिसकी जान को खतरा होता, मैं उसे भी जाने के लिए कहता। मैं अपनी फैमिली में किसी और को नहीं खोना चाहता पुमा। ऑफ कोर्स, मैं ये जानती हूँ ऋषभ, लेकिन उसके पापा हैं। ऋषभ, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, ओके? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो मैं तुमसे कह रही हूँ क्या तुम वो करने को तैयार हो? पहले मैं उसकी जान सिर्फ दोस्त होने के नाते बचाता था, अब आप बता रही हैं कि मुझसे प्यार करती है, तब तो डेफिनेटली उसकी जान बचाना मेरा काम है। बताइए क्या करना है? लाओ मैं लगा दूं। नहीं। अरे चोट लगी तुम्हें, एंटीसेप्टिक लगाने दो ना। तुम्हें नहीं कहा था ना शादी के बाद कैसी शर्म? नहीं। अरे नहीं देखूंगा मैं। बिना देख के कैसे लगाओगे? आंखें बंद करके। मैं तुम्हें पहले ही बताया ना, मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं, इसलिए टेंशन मत लो। चलो मैं बैठू। अरे हाँ बैठो, चलो। सुनो, अगर तुमने अपनी आंखें खोली ना तो मुझे पता चल जाएगा। अरे नहीं खोलूंगा। Thank you.
तुम थोड़ा लूज करो। तुम कैसे कर पाओगी? मैं ही कर देता हूं। आंधियों की तरह ही तो